तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो हमारे सारे छोटे सिटी नहीं बोल सकते, फिर भी जो गांव कस्बा वाले जो सिटीज होता है, जो किसी ना किसी साइड एरियाज होता है, जहां पे कि कोई इंडस्ट्री ज्यादा नहीं होता, किसी तरह का ज्यादा कोई बिजनेस नहीं होता, और वहां पे लोग टाटा एस या फिर पिकअप खरीद करके या फिर रेंट पे लेकर के बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास उस तरह का ट्रक्स है, छोटे टाइप के जो ट्रक्स है उनके पास अगर उस तरह का ट्रक्स है तो वो जो वहां पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए वहां पे बिजनेस के क्या स्कोप है, आज मैं उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। कुछ डिटेल्स में यहाँ पे शेयर करूंगा, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि अगर आपके पास टाटा एस या फिर पिकअप जैसी गाड़ियां हैं तो आप अपने उस एरिया में कहाँ पे चला सकते हैं और किस तरह से चला सकते हैं। लोग आज के भी डेट में मैं बात करूं दोस्तों, तो ऐसे सारे सिटीज में लोगों के पास गाड़ी है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, छोटे सिटी कोई भी सिटी आप ले लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके सिटी में किसी भी तरह का कोई ट्रक नहीं होगा। वहां पे बड़े ट्रक भी होंगे, वहां पे छोटे ट्रक भी होंगे, बट हर तरह के ट्रकों का बिजनेस करने का जो तरीका है वो अलग है, उसमें मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो आज यहाँ पे मैं टाटा एस और पिकअप, ये दो खास करके जो ट्रक्स होते हैं, छोटे वाले ट्रक्स, लाइट व्हीकल जिसको हम बोल सकते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप छोटे सिटी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको बिजनेस कहाँ से मिलेगा। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, ज्यादा जब वीडियो बड़ा नहीं है तो यहाँ पे आपको जानकारी भी जल्दी मिल जाएगी और समझ में भी आ जाएगा कि आपको उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे सिटी, किस तरह के छोटी सिटी, एक एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं। जैसे कि आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, बस्ती से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार गोड्डा हो गया उधर से बिलोंग करते हैं, भागलपुर जैसे जगह से बिलोंग करते हैं, हिसार जैसे जगह से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे सारे सिटीज में क्या कुछ ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे बिजनेस करने का जो तरीका है, जो इनके पास ट्रक्स है छोटे वाले, वो कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है गाँव का, छोटे शहरों का, उस पे ज्यादा करके डिपेंड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है दोस्तों, उसको आप समझते हैं कि उसमें क्या क्या आता है और आपको कहाँ कहाँ पे उसके लिए कॉन्टेक्ट करना होता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप छोटे सिटी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे जितने भी किसान होते हैं जो वहां पे सब्जी उगाते हैं या फिर किसी तरह का कोई फसल उगाते हैं, वहां पे वो अपने छोटे गाड़ियों में या फिर किसी तरह के दूसरे के छोटे गाड़ियों में रख करके उस सामान को मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। ये डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, या फिर सीजन वाइज भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह के गांव, अलग अलग सिटीज में अलग अलग तरह से इसका बिजनेस होता है। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज में आगे आपके जितने भी तरह के दलहन फसल जो हो जाता है या फिर गेहूं, चावल, सब्जियां जितनी हो जाती है, ये जो गाँव या छोटे सिटीज में जो लोग उगाते हैं, इसको मार्केट में सेल करते हैं, तो आप अगर उस सारे एरिया से कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप अपने किसी भी एक गांव को ही पकड़िए जहां पे कि लोग ज्यादा करके खेती करते हैं, आप वहां पे जाइए, वहां पे कौन से ऐसे किसान भाई हैं जो कि सब्जी उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे पता कीजिए कि उनका जो सब्जी है या फिर फल है किस मार्केट में जाकर के सेल होता है, तो आप उनके सामान को अपने ट्रक पे ले जाकर के सेल कर सकते, सॉरी मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेल तो खैर उनका अपना काम होगा, बट आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों कि आज के डेट में जिस तरह से मार्केट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, हर जगह पे किसी ना किसी तरह का मॉडर्नाइजेशन का काम होता है, तो इसमें बात आ जाती है दूध की। दूध जो है, पहले क्या होता था, गाय भैंस लोग रखते थे, वहीं पे जाते थे, दूध लेते थे, बट आज के डेट में गांव या फिर छोटे शहर जो है वहां पे लोग ज्यादा करके गाय या भैंस जो है वो पालते हैं, और वहां से जो दूध निकलता है वो किसी ना किसी डेयरी में जाता है। हो सकता है वो डेयरी उसी सिटी में, हो सकता है वो डेयरी वहां से 40-50-60 किलोमीटर दूर किसी और सिटी में हो सकता है। तो आप वैसे सारे डेयरी के साथ या फिर उस तरह के जो किसान है जिनके पास की गाय है, भैंस है, जिनका की दूध निकलता हो, कहीं कहीं बेचते हैं ले जा करके, आप उनसे भी जाकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां पे भी बिजनेस मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे भी सिटीज हैं जहां पे कि छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, जहां खास करके पहाड़ी एरिया की मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऊना से मेरे पास मैसेज करते हैं, उत्तराखंड से
मैसेज करते हैं, हिमाचल से मैसेज करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से मैसेज करते हैं, यहाँ पे छोटे पत्थर और साथ में वहां की लकड़ी जो नेचुरल रिसोर्सेज में लकड़ी भी आ जाता है, ये सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन लोकल एरिया में ज्यादा करके होता है। मतलब कि 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे सारे एरियाज में ज्यादा करके होता है। तो आप चाहे तो इन लोगों के साथ मिलकर के, जिनका कि पत्थर हो गया या फिर लकड़ी हो गया, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होता है, आप इन लोगों से मिलकर के अपना ट्रक वहां पे चला सकते हो। सबसे बड़ी बात कि जहां पे पत्थर और लकड़ी का काम होता है वहां पे आपको महीने भर बिजनेस मिलने वाला है, वहां पे कभी भी बिजनेस कम नहीं होता है। चाहे वो बरसात का सीजन हो, चाहे वहां पे ठंड का सीजन हो, चाहे गर्मी का सीजन हो, 12 महीने आपको उस एरिया में बिजनेस मिल सकता है। आप चले जाइए कभी घूमने के लिए अरुणाचल, चले जाइए असम, असम जैसे एरिया में चले जाइए, वहां पे आप देखिएगा कि एक साइड से लाइन से पता नहीं कितने टाटा एस, कितने पिकअप एक साइड से खड़े रहते हैं और लोग उसके ऊपर लकड़ियां काट करके डालते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होता है। वो बिल्कुल इलीगल नहीं होता है, वो कुछ जो चीजें वो इलीगल होता है, बट आपको पता करना पड़ेगा कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसका जो काम है लकड़ी सप्लाई करने का कहीं या फिर पत्थर सप्लाई करने का, वो लीगल है या इलीगल है। तो जब वहां पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो लकड़ी का सप्लाई है ये लीगल है, तो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं, आप वहां पे काम कर सकते हो। उन लोगों को अच्छा खासा जरूरत भी होता है। बहुत बार तो मैं खुद अपने चैनल पे इससे रिलेटेड इंक्वायरी डाला था, कुछ नॉर्थ ईस्ट वालों ने मेरे पास भेजा था, मतलब वो लोग अरुणाचल और असम के थे, उनका लकड़ी और पत्थर का काम था, करीब आज से 6 महीने पहले की बात है। तो उससे रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट किया था कि उनको छोटे छोटे टाटा एस, टाटा जिसको कि छोटा हाथी बोलते हैं, या फिर पिकअप जैसी जो गाड़ियां, इसका काम है। करीब करीब वहां पे 60 से 70 गाड़ी उस समय उन लोगों का रिक्वायरमेंट था, तो उससे रिलेटेड मैंने पोस्ट किया था। तो आप अगर उस सारे एरिया से कहीं से बिलोंग करते हो तो वहां पे भी आपके लिए अच्छा खासा बिजनेस का स्कोप है, आप वहां पे बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कहीं समुद्री एरिया से बिलोंग करते हो, जहां पे कि समुद्र वगैरह है, जहां पे कि मछली पालन का ज्यादा करके काम होता है, जहां पे मछलियों समुद्र से मछली को निकाल करके कहीं ना कहीं लोकल मार्केट में बेचा जाता है, एक तो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट की बात मैं नहीं करता हूं या फिर इंपोर्ट की बात नहीं करता हूं, होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे महानदी हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, जितने भी सी हो गए, वहां पे लोकल मछुआरे होते हैं जो कि मछलियों को पकड़ करके लाते हैं और उसको फिर मार्केट में सेल करते हैं। तो उसको मार्केट में सेल करने के लिए छोटे छोटे गाड़ियों का जरूरत होता है, वहां पे टाटा एस लगता है, पिकअप लगता है। आप लोग ये चीज को बहुत सारे मूवीज में भी देखे होंगे कि जहां पे मछलियों का ये पकड़ने का काम होता है, खास करके चेन्नई जैसे जो जगह है या फिर विशाखापट्टनम जैसे जो जगह है, वहां पे बहुत सारे इस तरह की गाड़ियां आपको खड़ी मिल जाएगी जो कि मछलियों को लोड करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं। और ध्यान रखिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज बिजनेस होता है, जहां पे कि मैं लकड़ी की बात किया हूं, जहां पे मैंने पत्थर का बात किया है, मछली का बात किया है, ये सारे जो बिजनेस है इसमें आपको गाड़ी का भाड़ा जो है नॉर्मल मार्केट से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा करके लोग अपना ट्रक्स नहीं लगाते या फिर सारे एरिया में ज्यादा करके ट्रक्स छोटे वाले नहीं मिल पाते हैं। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस मिल जाएगा। तो ये कुछ बिजनेस था दोस्तों जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा था, इससे रिलेटेड टाटा एस और पिकअप से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, जहां पे कि मैंने आपको सब मिलाकर के 25 बिजनेस आइडिया दिया है, आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारे आपको बिजनेस के तरीके मिल जाएंगे, जहां पे कि आपको कुछ ना कुछ नए तरीके ढूंढने में सहायता मिल सकता है उस सारे वीडियोस से। तो एक बार जाकर के देखिए वो सारे वीडियोस भी। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियोस में फिर से कुछ नए लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।